सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा रे। बहू का गृह प्रवेश हो रहा है, आ जाइए आप। चल मुझे कुछ बता। ताई तू चल। चल आई, चलो चल आई, चलो चल। आजा बेटा, आजा बेटा, जा पूजा की थाली लेकर आ। और देखो बंधु के स्वागत में किसी भी चीज की कमी ना रहे। जाओ, मेरी तरफ देख क्या रही हो? मंजू जाओ। वो क्या है ना, वो शादी की खबर सुनकर उसको भी धक्का लग गया ना, वो भोखला गई है बेचारी। घर अब बेटा, तुम्हें पूरी जिंदगी इसी घर में निकालनी है हम लोगों के साथ। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए ना, आपके दामाद का घर है भाई, अंदर आने में क्या शर्माना, आइए। लो अजीत के ससुर जी भी आ गए। अजीत जाओ पैर छुओ। क्या किया? बाबा, जबकि जिंदगी के लिए ही मैंने ये सब किया। बाबा, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? पागल हो गई बेटी तू, तेरे बाबा तुझ पे कभी नाराज हुए? लेकिन दामोदर जी, अब छोड़िए भी,
होना था सो हो गया। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन बातों का डिस्कशन करने से क्या फायदा? सच्चाई तो ये है, अजीत ने अपनी गलती मान ली है और बंधु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और मैंने भी बहू के रूप में स्वीकार किया है। हमने जो रिश्ता जोड़ा है सच्चे दिल से जोड़ा है, आप भी सच्चे दिल से उस रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मंजू बेटा इनके खाने का कुछ प्रबंध करो, जाओ। I'm so sorry. एक्चुअली क्या है ना, आज घर में कुछ खास बना नहीं है तो सिर्फ सादी मिठाई से मुंह मीठा करना पड़ेगा। नहीं रसिका जी, इतने औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो आप निकल रहे हैं? ठीक है, लेकिन आइएगा जरूर, आखिर ये घर भी तो आपका ही घर है ना। तुम श्रावणी हो ना, मानो कि नहीं बेबी? रसिका दी, अब हम चलते, बस हमारी हमारी बंधु का ख्याल रखना। जी अपना ख्याल रखना बेटा। रसिका ताई, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत सलत निकला होगा तो उसकी सजा मेरे बच्ची को मत देना। सुनीता ताई, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मैं तो बंधु को अपने घर में बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अर्चना को बेटी बनाकर रखा है। सविता ताई, मैं मजाक कर रही थी, मैं बंधु का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, अब चिंता मत कीजिएगा। बंधु अपना ख्याल रखना। चलो मानो बेटा, अब हम चलते हैं। भाई क्या है ये सब, इस लड़की के साथ अजीत की शादी क्यों? मंजू ये तो बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में फोन पर बताऊंगी, लेकिन तुम छोटी मोटी बातों का टेंशन मत ले, जो कुछ हो रहा है ना बिल्कुल सही हो रहा है। अब तू घर जा और ऑटो वाटो से मत जा, ड्राइवर को बोल दे वो तुझे घर छोड़ के आएगा। बहुत शौक है ना तुझे मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने का? अब देख, मैंने तुझे कहा था ना बंधु के साथ ऐसा कुछ मत करना कि जिससे उसको तकलीफ हो, समझने की कोशिश करो। जब वो मानव देशमुख की बहन थी तब उसके साथ तू ऐसी वैसी हरकत करता तो ठीक था, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है, वंदिता अजीत लोखंडे।
बंदू बेटा, नहीं, बिल्कुल मत डरना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। बंदू, ये कंप्लेंट तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। और इसलिए बंधु ने इस रिश्ते के लिए हाँ की। तुम्हारी जिंदगी आसान करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी मुश्किल बिठा ली। जो भी बेटा, लेकिन कोई भी फैसला लेने के पहले बंधु ने एक बार हमसे पूछना चाहिए था। कैसी रह पाएंगी मेरी बंधु दरिंदों के साथ? जीते जी मर जाएंगे मेरे बच्चे। बाहर चल, बाहर चल, मुझे तेरे साथ बात करनी है अभी की अभी। आई लेकिन तू चल बाहर, सुना नहीं तुझे? बाहर चल, चल। पागल हो गया क्या? मेरे चुप। देखो बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखना सीख, वरना अनर्थ हो जाएगा। सीधे से एक केस से छूटे हैं हम। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलाना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जो भी हो जाए, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से बहुत कुछ सहन करना पड़ा मुझे, पुलिस, जेल, बदनामी और न जाने क्या क्या। उसे तो मैं ऐसे घाव दूंगा, ऐसे जख्म दूंगा। अरे ना, एक नहीं हजार जख्म दे, लेकिन मार नहीं। मतलब? देखो बेटा, जब शरीर पर मार पड़ती है तो उसके घाव तो कुछ ही दिनों में मिट जाते हैं, लेकिन जब दिल और दिमाग पर मार पड़ती है तो उसके घाव तो मिटाए नहीं मिटते। हम वंदिता के दिल और दिमाग पर ऐसे वार करेंगे कि उसकी और उसके घर वालों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। पर कैसे? हेलो। हेलो, तुम मानो बेटा, रसिका बोल रही हूँ। हाँ रसिका जी, बोले। वो बंधु कैसी है? बंधु तो ठीक है, लेकिन उसे अपने अर्चना वहनी की बहुत याद आ रही है। अगर वो यहाँ आती है तो इस वक्त, मतलब इस वक्त अर्चना से क्या काम है? इस वक्त अर्चना से क्या काम? अब सब बातें तो मैं फोन पर नहीं बता सकती। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि बंधु को अर्चना की यहाँ सख्त जरूरत है। अगर वो आती तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं देखता हूँ।
क्या हुआ मानव? वो बंधु अर्चना से मिलना चाहते हैं। अभी ठीक है, मैं बंधु से मिलकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतनी रात को तू अकेली नहीं जाएगी। बीच रास्ते में कुछ हो जाएगा तो तेरे घर वाले हमें। नहीं नहीं, ये नहीं जाएगी इतनी रात को। आई, मुझे भी यही लग रहा है कि बंधु ने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया। लेकिन हम में से किसी ना किसी को तो जाना ही होगा। आई, अगर बंधु ने मुझे बुलाया तो आई वो वहां बिल्कुल अकेली है। उसके पास कोई नहीं जिसे वो अपने दिल की बात कह सके। उसे हमारी हमारी बहुत जरूरत है आई, हमारे सहारे की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं जाती हूँ। मैं अच्छा तू जा, लेकिन साथ में मानव को लेके जा। हाँ, मैं साथ में चलता हूँ। चल चलो अर्चना। ठीक है। पता नहीं बंधु ने हमें वहां क्यों बुलाया। जरूर उसे जीत ने फिर से कोई गलत हरकत की हो। अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो मैं नहीं माना। हमें कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना है। अब अजीत वंदिता का पति है, रिश्तों के मायने बदल चुके हैं। मानव, हमारी बंधु अब उस घर में रहती है। हमारा एक गलत कदम और बंधु की पूरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा ना, ऐसे करना होगा जिससे कि हमारी बंधु की गृहस्थी पर कोई आंच ना पाए। कौन है तुम? तुम्हें तो नहीं बुलाया था मैंने। ठीक है, आ ही गए तो अच्छा है। आओ अंदर आओ। बंधु, तुम्हारी बंधु बिल्कुल ठीक है। जब से आई है बिल्कुल घुल मिल गई है इस घर में। दो चार घंटों में अपने मायके को भी भूल गई है और तुम्हें भी। लेकिन आपने मुझे झूठ बोला था। मैंने मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ और मेरे कहने पर तुम आती नहीं, इसलिए मैंने अपनी प्यारी बहू का नाम लेकर तुम्हें न्योता दे दिया। और देखो तुम आ भी गई। अरे इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस छोटा सा काम है, दो मिनट में हो जाएगा। बंधु बेटा बाहर तो आओ। बंधु बेटा, ये दादा बहनी के गले मिलने का प्रोग्राम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन जिस काम के लिए अर्चना को बुलाया है वो तो पहले निपटा दे। क्या क्या काम है बताइए। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम तो हमारे घर की मेहमान हो, तुमसे मैं काम कैसे करवा सकती हूँ। अब जो कुछ भी करना है ना मेरी बहू करेगी। थप्पड़ मारेगी तुम्हें।
तुम ही थी ना अर्चना जिसने अपनी ननद के लिए मेरे बेटे पर हाथ उठाया था। अब उसका बदला मेरी बहू लेगी। वंदु जाओ अपने वहनी को कसकर एक थप्पड़ मारो। उसने तुम्हारे पति का अपमान किया है। नहीं, एक पत्नी होने के नाते उसका बदला लेना तुम्हारा कर्तव्य है। देखो, तुम्हारा एक थप्पड़ ये तय करेगा कि तुमने सही मायने में हमें स्वीकार किया है कि नहीं। जाओ। अरे किस्मत वालों को ये मौका मिलता है, बस एक ही थप्पड़ में पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। फिर हम भी सब भूल जाएंगे और तुम भी सब भूल जाओ और हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, लेकिन अर्चना को अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा तो मैं अजीत को कुछ समझा नहीं पाऊंगी। फिर जो वो करता है सो सही। अब तुम्हें ही तय करना है तुम्हें क्या करना है। नहीं आई, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, कभी नहीं। वंदु मुझे थप्पड़ मार। नहीं भाई, नहीं आपको वंदु मुझे थप्पड़ मार। अगर मुझे मारने से इन सबके दिलों की कड़वाहट मिटती है तो मुझे थप्पड़ मार वंदु। मैं तेरे लिए हजार थप्पड़ खा सकती हूँ वंदु, मार मुझे। नहीं भाई, नहीं, नहीं, मैं नहीं मार सकती। अरे अगर तेरे दिल में मेरे लिए सम्मान है तो एक थप्पड़ मारने से तेरा सम्मान खत्म हो जाएगा क्या? अरे इसी से तो हमारे मुश्किलों के हाल निकल सकते। बंधु मुझे थप्पड़ मार। बंधु बंधु तुझे मेरी कसम है, मुझे थप्पड़ मार। बंधु मार। बंधु मेरी बात सुन, तू अगर थप्पड़ मारने में कामयाब होती है तो मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ तेरे परिवार की सब मुसीबतें खत्म हो जाएगी। मार थप्पड़, मार बंधु। बंधु इतना सोच मत, यही फैसला कर दे। बंधु बंधु मार, मुझे मार, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बंधु बंधु सम्मान का मामला है। बंधु मार, मार, आगे बढ़ मत। बंधु मार, तू मेरी छोटी बहन जैसे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मुझे इसके सम्मान का मामला है, सम्मान का मामला है। मार बंधु, मुझे मार, 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 नजदीकियां क्या हो दूरियां।